हेलो फ्रेंड नमस्कार मैं सरबजीत आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ ये मेरी एक फ्रेंड हैं उन्होंने मुझे बोला है कि आप मुझे बिना डोरी के बिल्कुल बारीक गले में पाइपिंग निकालना सिखाएं और वो जब भी लगाती हैं उनके गले में झोल आ जाता है या फिर गला फैल जाता है तो आज मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से गले में पाइपिंग लगाना सिखाऊंगी बिल्कुल बारीक वाली यहाँ पर मैंने सूट की कटिंग की हुई है और मैचिंग कपड़ा लिया है जिस कपड़े की पाइपिंग निकालनी है वो हमने ले लिया है आप इस कपड़े को टेन बाय टेन ले सकते हो यहाँ पर मैंने गला भी कर लिया है यहाँ पे गले की चौड़ाई है साढ़े पांच और गले की लंबाई साढ़े सात है यहाँ पे पहले हम इसे खोल लेते हैं शर्ट को फ्रंट वाला पीस हमने लिया है और इसका सेंटर बना लेते हैं यहाँ पे सेंटर का निशान हमने इसका जरूर लगाना है और जो भी किसी को डोरी वाली पाइपिंग बनाने में या फिर लगाने में दिक्कत होती है उनके लिए ये वाला वीडियो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे हमने कपड़े को नीचे रख लेना है जैसे गले की चौड़ाई साढ़े पाँच है तो यहाँ पे हमने इसकी जो कपड़े की चौड़ाई ले ली है हमने ग्यारह इंच के करीब ली है दस और ग्यारह आप ले सकते हैं यहाँ पर सेंटर का निशान आप बना लीजिए और गले का जो सेंटर का निशान है इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और जो कपड़े की लंबाई है वो भी ग्यारह से बारह इंच आप ले सकते हैं चौड़ाई भी ग्यारह इंच ले लीजिए लंबाई भी ग्यारह इंच ले लीजिए तो आपका गला बिल्कुल नीचे वाले कपड़े से सेट हो जाएगा इस तरह पहले आप इसे सेट कर लीजिए कपड़े को और इसको हमने अच्छी तरह कपड़े नीचे वाले कपड़े को सेट करना है कहीं भी झोल नहीं आना चाहिए और सेंटर को बिल्कुल अच्छी तरह ऊपर के साथ मिलाकर रखना है और यहाँ पे अब हमने गले की चौड़ाई रखनी है साढ़े पाँच इंच गला चौड़ा रखना है पौने तीन इंच इधर रखते हैं और साढ़े इंच का निशान लगा लेते हैं टोटल चौड़ाई का अब हमने जो बुकरम कट की है बुकरम को हम इसके ऊपर रख के पहले रफ सेल लेंगे। यहाँ पे हम बुकरम को रखेंगे और एक अच्छी सिलाई लगा लेंगे ताकि गला हमारा ऊपर से सेट हो जाए इस ऐसा करने से गला हमारा हिलता भी नहीं है और टेढ़ा भी नहीं होता है अब दोनों हिस्सों में बुकरम की पट्टी लगाकर इसे सेट कर लेते हैं और इसे अब हम यहाँ पे रख कर ज्वाइन करेंगे किसी पिन के साथ अब मैं ऐसे है कि वीडियो तो मैं बहुत साल से डाल रही हूँ अपने चैनल पे तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि मैडम हमें बेसिक सीखना है अब आगे जो वीडियो डालूंगी वो मैं बेसिक के डालूंगी अब ये लोग ऐसा ना बोले कि ये चीज़ें तो हमें आती हैं देखिए आपको आती होंगी लेकिन कई लोगों को नहीं आती हैं जो बेसिक होता है शुरू से स्टार्टिंग सिलाई कैसे की जाती है वो मैं आपको अब बताऊँगी जैसे कटिंग कैसे करनी है तुरपाई तो कैसे करनी है बहुत सारे काम सिलाई के होते हैं जो मैं आपको इसमें सिखाऊंगी बुरे ट्रिक्स होते हैं जो सिलाई के यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है इसके ऊपर सिलाई अब बुकरम के ऊपर लगेगी जो बुकरम हमने ली है उसके बिल्कुल ऊपर सिलाई लगानी है नीचे सिलाई नहीं लगानी है तभी हमारी ये पाइपिंग अच्छी तरह निकल के आएगी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में सिलाई लगाने के बाद कि कितने मार्जिन पर हमने ये सिलाई लगाई है ये मैं आपको पिन निकाल देते हैं और यहाँ पर मैं क्लोज करके दिखाती हूँ ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक पॉइंट की सिलाई हमने पूरे में लगाई है जितनी बारीक आपने पाइपिंग निकालनी है उतनी बारीक आप बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएं अब हम इसे इस तरह अच्छी तरह कपड़े को बिछा लेंगे नीचे वाले कपड़े को भी सेट कर लेंगे और जो सेंटर का पीस है इसको निकाल देते हैं इसको निकाल हम बीच में से कट लगाएंगे जैसे यहाँ पे तीन कॉर्नर हैं कॉर्नर पे हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं देखिए डिजाइनिंग तो बाद की बात होती है लेकिन पहले जब तक बेसिक सूट नहीं सिलना आता है तो डिज़ाइनिंग हम कैसे करेंगे तो इसलिए अब मैं लगातार आपको बेसिक सिखाऊंगी जिनको सिलाई नहीं आती है जैसे बाहर जाना आजकल मुश्किल हो रहा है सिलाई सीखने के लिए तो घर पर मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगी ए टू जेड ज़ीरो से शुरू करेंगे आगे चलेंगे फिर हम और कपड़े को हम इस तरह पलटी करते हैं कपड़े को इस तरह पल्टी करेंगे देखिए ऊपर की तरफ ये देखिए आप पाइपिंग कितनी बारीक निकल रही है इसी तरह हमने ये वाली पाइपिंग निकाल लेनी है ये वाला जो टेक्निक है बहुत पुराना है मेरा लेकिन मैंने पहले भी शेयर किया था तो लोगों को अभी सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही थी वीडियो तो मैंने कहा मैं एक बार दोबारा से वीडियो बना देती हूँ तो आपको क्लियर भी कर देती हूँ इस तरह हम इसकी सिलाई को लगाएंगे और जो अब सिलाई लग रही है वो हमारी बेसिक कपड़े पे लग रही है पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए अपने कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करते जाना है और अच्छी तरह सेट करके सिलाई लगाते जाना है और पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए नहीं तो फिनिशिंग खराब हो जाएगी अब देखिए पूरे गले में मैंने इस तरह सिलाई लगा ली है अब हमने कपड़े को इस तरह उल्टा रखना है अब जो पाइपिंग वाला कपड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे बुकरम से थोड़ा आधा इंच छोड़कर कर बुकरम से आधा इंच ज़्यादा कपड़ा कट के हम इसको एक्स्ट्रा को निकाल देंगे और बाकी के कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे यहाँ पर इस कपड़े को हमने पहले थोड़ा ज़्यादा लेना होता है बाद में हमने इसे काटना होता है अगर पहले ही हम थोड़ा ले लेंगे तब ये बात फिर फोल्ड नहीं हो पाता है अंदर की तरफ से और फिनिशिंग नहीं होती है तो यहाँ पे अब हमने इसे ऐसे बुकरम को इस तरह पलटी करना है और कपड़े को ऊपर की तरफ रख के एक सिलाई लगा देनी है ताकि ये कपड़ा बाहर की तरफ बिल्कुल ना निकले अब इसको पूरे को सिलाई लगा मैं आपको एक बार दिखाती हूँ अब ये पूरे में सिलाई लग गई है अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ शर्ट को ये देखिए यहाँ पे हमने एक रफ सिलाई लगा देनी होती है साइड में हम आधे इंच को छोड़ के एक रफ सिलाई लगा देते हैं जिस जिसे हम बाद में तुरपाई करके खोल देंगे ये कच्ची सिलाई होती है थोड़े मोटे से लगाई जाती है इसको लगाने के बाद जब तुरपाई करते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है ये आप जरूर लगा लें लीजिए गला हमारा बनकर तैयार हो गया है मैं आपको क्लोज करके भी दिखा देती हूँ बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है बहुत ही बिल्कुल फिनिशिंग से ये गला बनकर तैयार हुआ है जिन लोगों को गले में प्रॉब्लम आती है झोल आता है पाइपिंग नहीं लगती है तो वो इस तरीके से लगाएं कोई भी डिज़ाइन हो कैसा भी डिजाइन हो उसमें ये पाइपिंग हमारी सेट हो जाती है तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में बताएं जरूर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग